Ayo, lo cha. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त पोपो कोको। गाइस, मैं आज कहीं नहीं गई हूँ, घर पर ही हूँ। तो आप लोगों को तो पता है, मेरी पिछला वाला ब्लॉक में, पेजीफिल वाला ब्लॉक में मेरे पैर में चोट लग गए थे, उसके वजह से मैं कहीं नहीं जा पा रही हूँ। इसलिए मुझे मम्मी ने रेस्ट करने के लिए कहा, तो मैं रेस्ट कर रही हूँ। 2 दिन हो गए आज घर पर बैठ के, तो मुझे बहुत बोरिंग महसूस हो रहा है घर पर बैठ के, क्योंकि बस्ती में आने से तो हर समय काम ही काम होता है। लेकिन मेरे पैर में चोट लगने की वजह से मैं मम्मी को हेल्प भी नहीं कर पा रही हूँ, हेल्पलेस हो रही हूँ। बच्चों को बिता रही हूँ, मम्मी काम कर रहे हैं मेरी जगह पर, तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। तो लेकिन मम्मी का जो काम है, बच्चे को संभालना, बच्चे को दिन को बिताना, वो सब आज अभी मैं कर रही हूँ, बीमार होने के कारण, पैर में चोट लगने के कारण। तो आज मैं घर में बैठे बैठे आप लोगों को एक छोटा सा मिनी ब्लॉग बना के दिखाऊंगी, मेरी दिन का गुजारा कैसे होता है और मैं बच्चों को किस तरह संभालते हैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे को मैं आज बिता रही हूँ। तो 3 बच्चे स्कूल गए हैं, तो वो लोग वापस आ जाएंगे। तो उससे पहले जो घर पर है, उससे मैं कैसे संभालती हूँ आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखो पोपो कोको। हाँ, फिल्म कार्टून। तो तीनों को मैंने यहाँ पे एंगेज कर दी है, नहीं तो ये लोग तीनों पूरा घर में भाग दर करके गंदा गंदा कर देता है। और मेरी इसी हालत में मैं घर को संभालूँ कि ये लोग को संभाल, इसलिए मैं तीनों को यहाँ पे एंगेज कर दी अच्छा से चुपचाप बैठने के लिए। ये लोग को भी कैमरा का आदत हो गया, क्योंकि मैं ये लोग को हर बार कैमरा में लाती हूँ, इसलिए ये लोग अभी नहीं शर्माते। तो फ़ोन को मैंने सेक्रीफाई किया अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो लोग बाहर में कूदेगा खेलेगा, इससे सर्दी लग जाएगा, क्योंकि सर्दी होने का बहुत चांसेस है, क्योंकि बारिश हो रहा है। तो बारिश नहीं होने से भी क्या होता है, बाहर खेलने से वो लोग गंदा चीज़ें खा देते हैं, उसका पेट में दर्द होगा, बदन दर्द होगा, ऐसा होगा। तो इसलिए मैं बच्चों को घर पर ही बिताती हूँ आसानी से। ये देखिए फ़ोन देखें, तो मैं ये लोग को फ़ोन भी ज़्यादा नहीं दूंगी, क्योंकि फ़ोन देखना भी बहुत ही बड़ा बैड हैबिट है, क्योंकि फ़ोन देखते रहने से ये लोग का आई पावर भी कम हो जाता है, ऐसे मैंने सुना है। तो इसलिए मैं ये लोग को सिर्फ कुछ घंटों के लिए, 1 आवर्स ऐसे के लिए मैंने ये लोग को दिया है। तो ये देखिए गाइस, मेरी फ़ोन को भी इन लोगों ने स्विच डाउन कर दी है, देख देख के पूरा फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा है। तभी मैं सेफ चार्ज कर लूँगी। अभी खाना खाएगा अर्जुन। खाना खाने का समय हो गया। तो ये रहे तीनों का लंच, अभी लंच करेंगे। हाँ लल्लू, आया का दे। हाँ हाँ अला प्रोग्राम का दे। अभी मैं यहाँ पे आग जलाने के बाद यहाँ पर इस बटन को बिठाऊंगी। जो तीनों स्कूल गए हैं, तीनों बच्चे स्कूल गए हैं, तीनों के लिए यहाँ पे सब्जी पकाने के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। तो ये देखिए प्रेस सब्जी तीनों के लिए। तो जो बचा हुआ था आज सुबह का सब्जी, तीनों ने ख़त्म कर दी है। तो ये देखिए गाइस, तीनों का खाना खाने का जगह, पूरा खाना नीचे पर ही गिरा दिया। देखिए अभी इसे मुझे साफ करना होगा। आप देख सकते हैं पूरे आफ्टर लंच दोनों तीनों खेलना स्टार्ट कर दी है। बच्चा खेल रहा है, तीनों खुद भी बच्चा है और बच्चा खेल रहा है। देखो ना, अब बच्चा को सुला रहे, बच्चा को सुलाने का कर रहे अभी। तातू जी गाय के लो जी, बच्चा को गोदी में भुक के सुला रहे हैं। भाई जी गाय के लो जी, बच्चा बना रहा है भाई भी। देखो तो भाई का बच्चा, वाह भाई बच्चा बना रहा है। ओ यो लो ओ पाय
तो ये देखिए गाइस, मेरी फर्स्ट बच्चे सो गए हैं, पप्पी यंग सो गए, तभी मैं से बेड पर सुलाऊंगी, उसके बाद दूसरा बारी होगा उसका, तत्तू का। तत्तू ऐसा नीचे इम का दे, आयांग इम को दे, दोनों बच्चा बनाने में बिजी है। देखो ओ यो लो जा आयांग इम को सानी की इंजी दे आमी वो बंद तो आतो ने चल तो आमी लालोक तो आलोक आय तो आलोक आय भाई नो इम तो चाहे पे इम तो भाई इम तो यार बुक पुगी तो इम तो भाई भी वापस आएगा तो सा तो यहाँ पर होगा भाई का, यहाँ पर भाई सोएगा इम तुम यहाँ बुम पुकी तो आधा पी इम तुम अमी को बोन तो इम जांग दे हाँ उधर यहाँ का इम तो का हाँ हाँ इम तो ये सबसे लेट सोता है, इसको सुलाने में बहुत तकलीफ होता है, ये सोने का नाटक करते रहता है लेकिन ये सो नहीं पाता है। देखिए अभी भी हिल रहा है, ये जल्दी नहीं सो पाता है, इसलिए इसको सुलाने में बहुत तकलीफ हो रहा है, और मुझे इसको भूख के कराने में भी बहुत तकलीफ हो रहा है, क्योंकि मेरा पैर में चोट लगी हुई है, आप लोगों ने देखा, तो उसके वजह से मुझे तकलीफ़ भी हो रहा है, लेकिन क्या करें, इन लोगों को सुलाना भी है, तो ये नहीं सोने से क्या होता है, रात के समय जल्दी सो जाता है, खाना नहीं खाता है, तो इसलिए इसको दिन को सुलाना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो ये रात को खाना नहीं खा के सो जाता है, इसलिए बच्चे को दिन को सुलाना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, तो मैं वही इम्पोर्टेंट काम करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये सो नहीं पा रहा है। दोनों बच्चे सो गए, ऐसे भूख के खड़ा करते रहना पड़ेगा, लगभग 15-20 मिनट ऐसे कुछ तो इसको भूख के खड़ा करना पड़ेगा, तभी ये नींद आएगा, नहीं तो इसका नींद आना बहुत मुश्किल है। इसको ऐसे करके ओ यो यो लो ओ प यो लो ओ यो यो लो ओ गा गा आलो ऐ ओ तत्तू ओ लल्लू ओ ओ मिमी ओए। सो गाइस, फाइनली अभी घर काली काली सा हो रहा है, तो कोई चहल पहल नहीं है, पूरा शांति, तो अभी मैं एडिटिंग कर पाऊँगी, अभी मैं एडिटिंग करना स्टार्ट करूँगी, तो आप लोगों के लिए जल्द से जल्द ब्लॉग भी तो लाना है ना, तो इसलिए स्टार्ट करूँगी अभी। आप लोग देख सकते हैं मेरे तीनों बच्चे उठ गए हैं, देखिए फिल्म देखना स्टार्ट कर दी है तीनों ने, तीनों सिवा देख रहे हैं, एक तो यहाँ पे कार्टून मूवी आता है, कार्टून एपिसोड आता है सिवा करके, तो ये तीनों को बहुत सिवा पसंद है। कौन है सिवा? बू सिवा देखो ना, तीनों ही सिवा को पसंद करता है, तो आप लोग भी बताना किसका बच्चा सिवा को पसंद करते हैं। हमारा बच्चा तो सिवा पे पीदा है, सिवा को देखने मन होता है, हर बार सिवा देखते हैं, देखो अभी भी सिवा देख रहे हैं।
तो ठीक है गाइस, यही तक मेरे आज का मिनी ब्लॉग। आई होप मेरे आज का मिनी ब्लॉग आप लोगों को बहुत ही पसंद आए होंगे, और किस तरह से बच्चा को संभालना है और कैसा सुलाना है आज आप लोगों को दिखाया। बच्चों को डांटना नहीं, डांटने से और भी गुस्सा होता है, वो लोग और भी रोने मन होता है, तो इसलिए आप लोगों को डांटना नहीं, प्यार से समझाना है बच्चों को। तो मेरी इसी पे इस मिनी ब्लॉग को ख़त्म करूँगी। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।